तो आईपीएल 2021 का ऑक्शन यानी कि नीलामी खत्म होने के बाद आईपीएल के सभी 8 फ्रेंचाइजी आईपीएल के सभी 8 टीमों ने अपने अपने कप्तान और उपकप्तान की घोषणा कर दी है आईपीएल 2021 के लिए, और साथ ही उनके प्राइस के अनाउंसमेंट भी कर दिए कि आखिर उनकी फ्रेंचाइजी अपने कप्तान को कितने कितने करोड़ रुपए दे रही है। तो जानिए इस वीडियो में आईपीएल 2021 के लिए सभी 8 टीमों के कप्तान और उपकप्तान के बारे में और उनकी प्राइस आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को लाइक और फॉलो कर ले। सभी पेजों का नाम रियल क्रिकेट सुपर फैंस के नाम से है, तो अभी सर्च करके आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इंडियन प्रीमियर लीग का 14 संस्करण यानी कि आईपीएल 2021 काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बार आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में आईपीएल के सभी 8 टीमों ने कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदकर अपने टीम में शामिल किए हैं और काफी मजबूत, काफी बैलेंस्ड टीम दिखाई दे रही है आईपीएल के सभी 8 टीमें इस बार। तो इस बार काफी रोमांचक मुकाबले भी होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आईपीएल 2021 के लिए सभी 8 टीमों के कप्तान और उपकप्तान के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की। तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान आईपीएल 2021 में भी महेंद्र सिंह धोनी ही रहने वाले हैं, क्योंकि सीएसके की फ्रेंचाइजी ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया है, जहां पर आईपीएल 2021 के लिए महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके की यह फ्रेंचाइजी 15 करोड़ रुपए दे रही है। बात की जाए सीएसके के उपकप्तान की यानी कि वाइस कैप्टन की, तो आईपीएल 2021 के लिए सीएसके की टीम मैनेजमेंट ने सुरेश रैना को अपना बनाया है वाइस कैप्टन। अब चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम है, रोहित शर्मा इनके सबसे सफल कप्तान है और आईपीएल 2021 में डेफिनेटली एक बार फिर से रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान है और मुंबई इंडियंस की यह फ्रेंचाइजी रोहित शर्मा को इनके कप्तानी के लिए 15 करोड़ का बड़ा रकम दे रही है आईपीएल 2021 में। अब बात करते हैं इनके वाइस कैप्टन यानी कि उपकप्तान की, तो एक बार फिर से इनके कारण पोलार्ड उपकप्तान है आईपीएल 2021 में भी। तो अब चलिए बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी की। तो आरसीबी के कप्तान विराट कोहली हैं, विराट कोहली आईपीएल 2021 में एक बार फिर से आरसीबी की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे और आरसीबी की यह फ्रेंचाइजी विराट कोहली को 17 करोड़ का सबसे बड़ा रकम दे रही है इनके कप्तानी के लिए। तो विराट कोहली आईपीएल 2021 के सबसे महंगे कप्तान है, इन्हें 17 करोड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं इनके कप्तानी के लिए। बात करते हैं आरसीबी के वाइस कैप्टन यानी कि उपकप्तान की, तो आईपीएल 2021 के लिए एबी डिविलियर्स को एक बार फिर से इनका उपकप्तान यानी कि वाइस कैप्टन बना दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2020 में काफी बैलेंस्ड टीम थी और आईपीएल 2021 में एक बार फिर से ये काफी बैलेंस्ड टीम दिखाई दे रही है। टीम का प्रदर्शन लगभग हर साल काफी ठीक ठाक रहता है और आईपीएल 2021 में एक बार फिर से इनके कप्तान डेविड वार्नर हैं, जो कि इन्हें इनके कप्तानी के लिए हैदराबाद की यह फ्रेंचाइजी 12.5 करोड़ रुपए दे रही है यानी कि 12.5 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं इनके उपकप्तान की यानी कि वाइस कैप्टन की, तो आईपीएल 2021 के लिए केन विलियमसन इनके उपकप्तान यानी कि वाइस कैप्टन है। अब चलिए बात करते हैं पंजाब किंग्स की टीम के बारे में। तो पंजाब किंग्स के कप्तान आईपीएल 2021 में केएल राहुल ही होने वाले हैं, जहां पर केएल राहुल को इनकी कप्तानी के लिए पंजाब की यह फ्रेंचाइजी 11 करोड़ रुपए दे रही है। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स के उपकप्तान यानी कि वाइस कैप्टन के बारे में, तो आईपीएल 2021 के लिए पंजाब किंग्स का उपकप्तान चुना गया है मोहम्मद शमी को। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल की सबसे यंग टीम मानी जाती है और आईपीएल 2021 में इनके कप्तान भी काफी यंग है, जो कि आईपीएल 2021 के लिए एक बार फिर से श्रेयस अय्यर इनके कप्तान होने वाले हैं और दिल्ली कैपिटल्स की यह फ्रेंचाइजी अपने कप्तान यानी कि श्रेयस अय्यर को 7 करोड़ रुपए दे रही है। अगर हम बात करें इनके कप्तान की यानी कि वाइस कैप्टन की, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास कई सारे बड़े बड़े विकल्प थे, चाहे वो स्टीव स्मिथ हों या फिर अजिंक्य रहाणे या फिर कोई और खिलाड़ी, लेकिन यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी ने बड़ा फैसला लिया है, शिखर धवन को अपना उपकप्तान बनाया है आईपीएल 2021 के लिए। अब चलिए बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, तो केकेआर की इस फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2021 के लिए एक बार फिर से योन मॉर्गन को अपना कप्तान बनाया है और केकेआर की यह फ्रेंचाइजी योन मॉर्गन को इनकी कप्तानी के लिए 5.4 करोड़ रुपए दे रही है यानी कि 5 करोड़ 40 लाख रुपए। अगर हम बात करें इनके वाइस कैप्टन यानी कि उपकप्तान की, तो आईपीएल 2021 के लिए शुभमन गिल को बनाया गया है इनका नया उपकप्तान। ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया है केकेआर की फ्रेंचाइजी ने। तो चलिए बात करते हैं आखिरी और आठवीं टीम के बारे में, तो वह है राजस्थान रॉयल्स, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी में बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि आईपीएल 2021 के लिए राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी
जी ने संजू सैमसन को अपना नया कप्तान बनाया है और आईपीएल 2021 के लिए राजस्थान रॉयल्स की यह फ्रेंचाइजी अपने नए कप्तान यानी कि संजू सैमसन को 8 करोड़ रुपए दे रही है इनकी कप्तानी के लिए। हम बात करें इनके उप कप्तान की यानी कि वाइस कैप्टन की, तो इनके उप कप्तान है जोश बटलर, विकेट कीपर, बैट्समैन। तो गाइस जीरे आईपीएल 2021 के लिए सभी 8 टीमों के कप्तान और उप कप्तान और उनके प्राइस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।